आज हम फिर से करने वाले हैं मुझ पे खुद पे मैं करने वाली हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वैसे मेरी बैंड बची हुई है। ये मेरे फिर से ग्लव्स आ गए, ये ग्लव्स मेरे को नहीं चाहिए थे, ये वापस कर देंगे। भाई वो रख ले, रख लो। अच्छा तेरे फट जाते हैं। अच्छा ठीक है, रख लेते हैं। तो गाइस मैं अपने बालों को करने वाली हूँ कलर, क्योंकि मैंने जो ग्लोबल हाईलाइट करवाया था वो बहुत ज़्यादा फेड हो गया है। तो या अब मैं उसका कलर चेंज करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी कास्टिंग क्रीम ग्लॉस। ये है लॉरियल पेरिस का क्या नाम भी नहीं पता मेरे को, जिंदगी में पहली बार मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। वैसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं पार्लर में जाके अपना ये क्या बोलते हैं कलर चेंज करवाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाऊँगी, इतना सारा बहुत एक्सपेंसिव होता है ना पार्लर पे, तो मुझे लगा था 1000-1200 का तो पड़ ही जाएगा बोल के। फिर मैंने सोचा कि मैं घर मंगा लेती हूँ कलर बढ़िया सा। तो मैंने पहले तो इसके बारे में सर्च किया है, काफ़ी सेफ है यूज़ करना, तो मैंने फिर ये मंगवाया घर पे, कि मैं घर पे ही कर लेती हूँ क्योंकि पार्लर पे तो बहुत महंगा होता है। तो जब मैंने इसको घर पे मंगाया तो घर पे भी ये बहुत महंगा पड़ा गया। ये पूरा पैकेट है 650 का, ठीक है, ये 650 का है। उसके बाद ये मैंने 150 का मंगाया, 750-800 का, तो यही पड़ गया गाइस। घर पे कर रही हूँ तब भी ये इतना महंगा पड़ा है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है पार्लर पे और घर पे। और पार्लर पे जबकि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर आपके खुद हैंड वॉश करते हैं, वो मसाज कर देते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो पार्लर पे ही कराना ठीक रहता। पर फिर भी अब मैंने मंगा लिया तो मुझे ये घर पे ही करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैटर बना लेती हूँ, फिर मोली लगा देगी मेरे बालों पे। ये खुला हुआ था आई थिंक डेवलपर क्रीम। तो सबसे पहले हमको डालना है ये कॉलोरेंट क्रीम, नो अमोनिया, ये डालूंगी। ये कितना डालूं मैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे बाल अभी पहले बहुत ज्यादा ठीक थे, अभी पतले हो गए हैं। लकी फोटो ठीक है, सर्दियों को लगा रहे हैं, आगे आगे हो रही है। अच्छा जितना ये ट्यूब डालना पड़ता है उतना ही यही डालना पड़ता है ना, बराबर डालना पड़ता है ना, रे जितना ये डालते हैं उतना ही वो डालते हैं ना बराबर। ये खुला हुआ था, तो चलो इसको भी डालते हैं। अगर कम पड़ा तो हम लोग और थोड़ा बनाएंगे, तो मेरे को लगता है अभी के लिए इतना काफी रहेगा, क्योंकि मुझे रूट पे नहीं लगाना, मुझे खाली लेंथ पे लगाना है। ठीक है, मायके दिया क्या क्या बोलते, गाली देती है गाइस, लड़की गाली देती है हमारी। अब इसको करते हैं हम लोग मिक्स 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 मिक्स। मैं यही कपड़े डाल के कलर लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर ये कपड़ा ब्लैक है, अगर इसमें कलर चढ़ भी जाता है तो इसमें दिखेगा नहीं। मेरे को डर भी लग रहा है, मैंने पता नहीं अपनी जिंदगी में कभी पहली बार मैंने अपना बालों पे हाईलाइट करवाया था, और वो करके मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। अभी और एक गलती करने जा रही हूँ मैं ये कलर करके घर पे, वो भी बिना किसी, कभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस कलर सबका, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। डर भी लग रहा है बट करना भी है, क्योंकि मेरे से अपने बाल नहीं देखे जा रहे सच्ची में। से मिक्स कर लेते हैं, इसमें अभी भी लम्स हैं। बेचारी जो मुझे कलर लगाने वाली है मेरे बालों पे, वो तो ग्लव्स पहन के सो गई है। मैंने उसको बोला था कलर लगाना है, आ जाना, वो बेचारी मैं वीडियो बनाने लग गई तो मेरे को थोड़ा लेट हो गया, वो सो गई। ओके आई थिंक अब मेरे को लगता है इतना ठीक है। ओह माय गॉड, खा के देखूं क्या स्मेल अच्छा आ रहा है। चलो अब लगाते हैं, ये रहा कोम, ये ब्रश और ये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे बैठती हूँ शीशे के सामने, पूरा कमरा मेरा मैस है गाइस, ये डेली का काम है, नथिंग न्यू, ठीक है ना, पूरा कमरा ऐसे ही मैस है। तो मैं बैठती हूँ, मेरा टॉवल नहीं गंदा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉवल का, तो बस ऐसे ही लगाऊंगी मैं कलर। ये कलर है तेरा सारा, और बस एक काम मेरे को और करना था, ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक और पिंपल निकला है। तो जब भी मुझे
नहीं, जब भी मेरा पिंपल निकलता है तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा प्यूरिफाइंग हिमालया का प्यूरिफाइंग फेस दिखाओ ये, हाँ हाँ, तो ये मैं अपने पिंपल पे लगा लेती हूँ ऐसे करके, ऐसे करके देखो क्या है कि ना, जिसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ लाइफ का एक चीज तो मेरे को पता चल गया, जिसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ वो हमेशा मुझे छोड़ के चला जाता है, और जिसको मैं चाहती हूँ कि मुझे छोड़ के जाओ लाइक पिंपल, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। मैंने पिंपल से ज्यादा लॉयल चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। मैंने डॉक्टर करा लिया, होममेड रेमेडी भी ट्राई किया, डॉक्टर भी दिखाया, फिर भी ये पिंपल जो है मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। इससे ज्यादा लॉयल चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। तो चलो मोनी लगा दो मेरे को, अच्छा हो गया, ये फोन बनाएंगे फिर मैडम, आ जाओ दे, हो गया फोन। दो दो लोग लगे हुए हैं गाइस मेरे बालों के पीछे, ये एक डब्बा पकड़ के खड़ी है, एक लगा दे रही है बेचारी। कर दो तुम दोनों को पार्टी दूंगी मैं, कर दो अभी गाइस। बालों पे फिर से पंगा तो ले लिया है मैंने, बट आई विश कि सब कुछ अच्छा जाए, बाल का कलर सुधर जाए और बाल झड़ना मेरा बंद हो जाए प्लीज। पंगा तो ले लिया है बट डर भी उतना ही लग रहा है। तो गाइस अभी मुझे बालों में कलर को पूरे आधे घंटे रखना है, तब तक मैं क्या करूं, मैंने सोचा तब तक मैं डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, 10 बज गया है, 10:30 बजे मुझे नहाना है। तो वैसे नहाने के बाद और भी कुछ करना पड़ेगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, तो जो ये बीच में जो गैप है मैं उसमें डिनर कर लेती हूँ। तो और आज मैं खा रही हूँ पाव भाजी, तो ये है भाजी और ये पाव मैं गर्म कर रही हूँ, तो चलिए डिनर करते हैं। मुझे लगा नहीं था कि देख सकते हो काफी ब्लैक लग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि जितने बाल मेरे येलो थे, जितना रफ था मेरा बाल, मुझे लगा नहीं था कि एक बार कलर करने से इतना डिफरेंस आएगा, बट काफी अच्छा कलर छोड़ा है, काफी हद तक ब्लैक हुआ है मेरे बाल, और काफी दिनों बाद बालों को ऐसे देख काफी अच्छा भी लग रहा है, आप देख सकते हो, पता नहीं कैमरे में समझ आ रहा है कि नहीं। और हाँ, ये उतना जैसे कि मुझे डाउट था पहले से कि एक बार में कलर नहीं जाएगा, मेरा जो हाईलाइट वाला कलर था वो एक बार में नहीं जाएगा, और नहीं भी गया, क्योंकि कहीं कहीं पे येलोइश है मेरे बाल, अभी भी कहीं कहीं पे गोल्डन है, पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, बट अभी भी कहीं कहीं पे गोल्डन है मेरे बाल। बट फिर भी पहली बार का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, मेरे पास और भी बचे थे क्रीम्स, बचा हुआ था तो मैं ये यूज कर सकती थी, बट मुझे एक बार ये देखना था कि कहीं मुझे एलर्जी तो नहीं कर रहा ये वाला कलर, तो एलर्जी नहीं किया, एंड यस मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो जल्द ही मैं ये थोड़ा सा बचा हुआ भी ये यूज़ करूँगी, तो मेरे पूरे बाल ब्लैक नेचुरल कलर पे हो जाएंगे, और जितना भी मेरा गोल्डन हाईलाइट था वो चला जाएगा। तो यार मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस कलर से। सो बस आज का वीडियो था यही तक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, सबको टाटा बाय बाय।